हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नागरिकता संशोधन एक्ट लागू होने के बाद देश में जगह जगह इसका विरोध दर्ज कराया जा रहा है। देश में स्थिति को नाजुक देखते हुए यूपी में धारा 144 लागू कर दी गई। इसी बीच आज बुलंदशहर नगर की जिला सपा कार्यालय के बाहर सपाइयों ने सीएए का विरोध अर्धनग्न होकर किया। मौके पर मौजूद एडीएम प्रशासन को सपाइयों ने ज्ञापन देकर विरोध कराया। इस विरोध प्रदर्शन में सपाइयों और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। मौके पर मौजूद भारी पुलिस की तैनाती के चलते भीड़ को तीतर बीतर किया गया। वहीं दूसरी तरफ खुर्जा में एक आयोजित मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा एक बैठक बुलाई गई। मुस्लिम समाज के लोगों की ये बैठक खुर्जा की जामा मस्जिद में आयोजित की गई। शहर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद खालिद ने एसडीएम खुर्जा ईशा प्रिया को खुर्जा की आवाम की ओर से एक ज्ञापन सौंपा। महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम को तुरंत वापस लेने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि धार्मिक भेदभाव पर आधारित अधिनियम संविधान की मूल आत्मा को छलनी करता है। साथ ही जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ विश्वविद्यालय में घुसकर जो मारपीट की गई, उसकी भर्त्सना की गई है। आरोपी पुलिस व अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की गई व देश भर में इस अधिनियम के विरोध में किए गए आंदोलन में आंदोलनकारियों के विरुद्ध जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनको तुरंत बिना किसी शर्त के वापस लेने की अपील की गई। इस बैठक में नागरिकता संशोधन एक्ट यानी कि सीएए को लेकर शांतिपूर्ण विरोध दर्ज करा एसडीएम खुर्जा ईशा प्रिया को ज्ञापन सौंपा। मौके पर सीओ खुर्जा गोपाल, चेयरमैन पति हाजी रफीक, समाज सेवी अनवर हुसैन खां, सभासद उम्मीद गाजी, हाजी शबीर व अन्य गणमान्य लोग मौके पर मौजूद रहे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद से ही देश में जगह जगह से विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आई हैं। असामान्य हालातों के बाद यूपी में भी धारा 144 लागू कर दी गई, जिसके बाद से ही प्रशासन नज़र बनाए हुए है। जबकि आज बुलंदशहर में सपा के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस के साथ झड़प की भी उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। जबकि खुर्जा में भी एक बैठक का आयोजन किया गया था, शाही इमाम जामा मस्जिद के, जिन्होंने ये बैठक का आयोजन किया था, इस जो उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है इसको लेकर। साथ ही इस पूरे प्रकरण में जानकारी के लिए हमारे साथ एडीएम प्रशासन रविंद्र कुमार मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ इस प्रकरण में अब तक सामने निकल कर आ रहा है। देखिए, आज विभिन्न मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी का पूरे प्रदेश में उनका धरना था, उसी क्रम में बुलंदशहर जनपद में भी उन्होंने अपने पार्टी कार्यालय पर उन्होंने अपनी मीटिंग की और उसके बाद बड़े शांतपूर्ण ढंग से उन्होंने ज्ञापन दिया था। और इसी क्रम में आज नमाज के बाद खुर्जा में भी यहाँ जामा मस्जिद के मुफ्ती साहब ने उनका जो एक मेमोरेंडम था, उन्होंने यहाँ पर बड़े शांति से नमाज के बाद क्षेत्रीय एसडीएम खुर्जा को उन्होंने सौंपा था। कानून व्यवस्था कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लोगों का, जनता का पूरा सहयोग है और हम लोग पूरी तरह सतर्क से बनाए हुए हैं। हमारे मजिस्ट्रेट्स, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, हमारे पुलिस के अन्य जवान जगह जगह तैनात हैं, किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग पूरी तरह से जो भाईचारा है हिंदुस्तान का, अमन चैन बना रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ एडीएम प्रशासन बुलंदशहर से रविंद्र कुमार, जिनका कहना है कि निगाह चप्पे चप्पे पे प्रशासन की निगाह टिकी हुई है, इसके अलावा कहीं भी असामान्य हालात नहीं हैं। दो जगह आज ज्ञापन सौंपा गया है, खुर्जा और बुलंदशहर में। बुलंदशहर में सपाइयों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है वो तस्वीरें देखने लायक हैं। कैमरा पर्सन शमसुद्दीन सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज़, बुलंदशहर। अब अगर कंप्यूटर पे इसको मैदान करेंगे तो कंप्यूटर रद्द कर देता, ये बात ही नहीं है। Time 24 न्यूज़, जज्बा सच दिखाने का।